मेरे खिलाफ जो हो रहा है वो न्याजी नैप गठजोड़ है। सिलेक्टेड वज़ीरे आज़म को आवाम के मसाइल का जरा भी एहसास नहीं। हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह अपोजिशन को मिलियामेट किया जाए। शहबाज शरीफ की पीटीआई सरकार पर वार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में 2 साल तक जानबूझकर ताखीर की गई, जो कि मुजरिमाना फेल है। ये सारा जो पाकिस्तान का जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और जिसका अपर चैम्बर खाली है बिल्कुल, और बदकिस्मती से भूसा भरा हुआ है और बोगस है अपोजिशन के खिलाफ, चाहे पीएमएलएन है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जेयूआई है, और एक कोई उसको ज़रा भी एहसास नहीं कि पाकिस्तान के जो मसाइल क्या हैं, जो तरक्की और खुशहाली के, आम आदमी के, एक मजदूर के, एक बीमार के, एक बेवा के, एक तालिब इल्म के, और कारोबारी आदमी के, दुकानदार के, कतन उसको कोई एहसास नहीं है। और सिर्फ उसका एक ही एजेंडा कि मैंने किस तरह अपोजिशन को मैंने मलियामेट कर देना, तो उसकी ये बहुत बड़ी भूल है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है कि जब भी इफ्ताह होगा वो लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के आवाम को बहुत मुबारक हम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत तख़ीर ही सही 2 साल पीटीआई ने क्रिमिनल नेगलिजेंस की है, लेकिन एक बहुत एक अजीम मंसूबा है आवाम का, आम आदमी का मंसूबा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे पोल्यूशन कम होगी, जिससे लोग अपने दफातर में, अस्पतालों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कारखानों में अपना टाइम पर पहुंचेंगे, वक्त का की बचत होगी, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे।